Good morning to all. Our today's topic is from class 6th, lesson 6, The Noble Nature, which is a poem written by Ben Johnson. We have already done word meaning and exercise part of this lesson, this poem, and today we are going to discuss question answer of this poem. Now move to our writing section. Here is our stenja. Stenja is given here a lily of a day. इस फेयरर फार इन मे ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ मे परफेक्ट बी मीन्स इस टेंजा में, में लिली के बारे में बताया गया है लिली की लाइफ एक ही दिन की होती है और ये मई मंथ में खिलते हैं ये ऑल दो इट फॉल्ड एंड डाई देट नाइट मतलब ये उसी रात को उसी दिन पे ये फ्लावर ख़त्म हो जाता है और ये पौधा है जो हमें मतलब हमारी आइज़ को हमारी सोल को हमारे स्पिरिट को लाइट देता है इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी हम थोड़े समय के लिए ही इसकी ब्यूटी को देख पाते हैं क्योंकि रात के समय ये गिर जाता है ख़त्म हो जाता है एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी और इसी की तरह हमें भी अपनी शॉर्ट लाइफ को परफेक्ट वे से जीना चाहिए नाउ मूविंग टू ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दिस टें सम क्वेश्चन आर देयर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोइम एंड द पोइट द नेम ऑफ द पॉइम इज द नोवल नेचर रिटन बाय बैन जॉन्सन Now moving to second question, how is a lily flower fairer? Answer is a lily flower is more beautiful. ज़्यादा सुंदर क्यों होता है? Because it blooms fully. मतलब ये पूरे तरीके से खिलता है. Next third question, in which month it blooms? Blooms means खिलना. ये किस मंथ में किस महीने में खिलता है? Answer is इट ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे ये मे मंथ में फ्लावर खिलता है मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन वट डज़ द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन जो लास्ट लाइन स्टेंजा में थी कौन सी थी इन शॉर्ट मैजर्स लाइफ में परफेक्ट बी इससे पोइट का क्या मतलब है ये लाइने पोइट ने क्यों यूज़ की हैं आंसर इज देअर इट मीन्स दैट अ शॉर्टेस्ट एंड सॉरी शॉर्ट एंड वर्थवाइल लाइफ इज़ बेटर देन लॉन्ग एंड वर्थलेस लाइफ मतलब क्या है जो स्टार्टिंग है उसमें फर्स्ट स्टेंजा में मैंशन था ओक ट्री के बारे में सेकेंड स्टेंजा में मैंशन है लिली के बारे में ओक ट्री से हमें ना तो फ्लावर मिलता है ना ही उससे कोई फ्रूट मिलता है बट जो लिली है वो हमारी आइज़ को हमारे स्पिरिट को हमारी सोल को लाइट देती है मीन्स खुशी देती है हैप्पीनेस देती है चाहे वो थोड़े समय की ही क्यों ना हो ओक ट्री की लाइफ बहुत बड़ी होती है बट जो लिली फ्लावर है वो उसकी लाइफ वन डे की ही होती है तो इसका मतलब ये है कि जो छोटी और मीनिंगफुल लाइफ है छोटी और मीनिंगफुल लाइफ वो बेटर है लंबी और वर्थलेस मीन्स यूजलेस लाइफ के मुकाबले मतलब शॉर्ट लाइफ हो अच्छी हो जिसमें हम खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी हैप्पीनेस दें देट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स